तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स स्पाई यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरव। और आज का वीडियो जो हम कवर करने वाले चैनल में वो रहेगा इंग्लैंड वर्सेस बल्गेरिया के बीच। इस मुकाबले का करते हैं डिटेल एनालिसिस। यूरोपियन फुटबॉल का मुकाबला है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लगभग सभी मैचेस हम कवर करते हैं। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे भी जुड़ जाइए, सारी फाइनल टीम्स आपको टेलीग्राम में मिलती है। अब दोस्तों कल भी हमने दो मैचेस लगभग कवर किए थे, तीन मैचेस कवर किए थे और दोस्तों तीनों में ही बहुत शानदार विनिंग्स हुई थी। जो आखिरी वाला मैच हुआ था उसमें तो मेरी जीएल भी लगी थी। तो बहुत इंटरेस्टिंगली आपको बहुत अच्छी टिप्स यहाँ पे टेलीग्राम में मैं देता हूँ, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। अब चलते हैं दोस्तों इस मैच के एनालिसिस पे। अब दोस्तों इंग्लैंड की बात करें, वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स में आती है, यूरोप में भी कह लीजिए, वर्ल्ड में भी कह लीजिए। बाकी बल्गेरिया दोस्तों बहुत लोअर लेवल की टीम है, इंग्लैंड के कंपैरिजन में भी बहुत अच्छी टीम नहीं है। हालांकि बल्गेरिया का होम मैच है और आज रात 12:15 AM पे मैच स्टार्ट होगा। अब दोस्तों ग्रुप ए देखिए, यहाँ इंग्लैंड की टीम 5 मैचों में 12 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल में है, तो बल्गेरिया सबसे बॉटम में 6 मैचेस में सिर्फ इनके 3 पॉइंट्स हैं। तो इससे पता चलता है आज इंग्लैंड फेवरेट्स स्टार्ट करेगी। लेकिन दोस्तों जो इंग्लैंड अपना पिछला मैच खेली थी वो चेक रिपब्लिक से हार गई थी और लगभग 30-40 मैचेस के बाद इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा था, तो एक इनकी विनिंग स्ट्रीक सी टूटी है, तो वो बड़ा एक झटका इंग्लैंड को लगा है। तो आज ये बहुत तगड़ा बाउंस बैक करने वाले हैं। तो एक बार लास्ट 5 रिजल्ट दोनों टीम्स के देखते हैं। तो दोस्तों पहले इंग्लैंड के देखते हैं, यहाँ पे लास्ट 5 रिजल्ट में नीदरलैंड से 3-1 से हारते, यूरोपियन नेशंस लीग का मैच था, फिर स्विट्जरलैंड से 0-0 ड्रॉ खेला, ये भी नेशंस लीग का मैच था। उसके बाद 2 बड़े जीत है, 4-0 बल्गेरिया, आज बल्गेरिया के अगेंस्ट ही मैच है, इनको अपने घर में 4-0 से हराया, फिर 5-3 से कोसोवो को हराया, और पिछला जो मैच जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 2-1 से यहाँ पे चेक रिपब्लिक से हारे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंग्लैंड को झटका लगा है। अब दोस्तों बल्गेरिया के लास्ट 5 मैच देखें तो यहाँ पे आपको विंस बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। 2-1 से चेक रिपब्लिक से हारे हैं, 3-2 से कोसोवो से हारे हैं, 4-0 इंग्लैंड, 3-1 आयरलैंड और पिछला मैच 0-0 ड्रॉ खेला है। तो इनका डिफेंस बहुत लोअर लेवल का है, उतना अच्छा नहीं है, ना ही इनके अटैकर्स कुछ खास है। तो यहाँ पे इंग्लैंड क्लियर फेवरेट्स हैं। अब इन दोनों टीमों के बीच जो पिछला मैच हुआ था इंग्लैंड ने जीता था, वो था वो मैच 4-0 से इंग्लैंड ने अपने घर में बल्गेरिया को हराया था। हैरी केन ने हैट्रिक मारी थी जिसमें 2 पेनल्टीज और 1 गोल था, और स्टर्लिंग ने गोल मारा था। तो ये दोनों प्लेयर्स आज भी मस्ट पिक रहेंगे। बाकी आप पोजीशन देखिए, 68% और 803 इंग्लैंड के पासेस थे, तो आज भी बहुत ज़्यादा पासेस इंग्लैंड बनाएगा एज कम्पेयर टू बल्गेरिया, बहुत कम पासेस इनके थे। बाकी शॉट्स ऑन टारगेट सब इंग्लैंड के ज़्यादा थे, आज भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। अब इंजरी डाउटफुल, इंग्लैंड की टीम पूरी फिट है, बल्गेरिया की टीम पूरी फिट है। अब प्रोबेबल लाइनअप देखते हैं, पहले बल्गेरिया के देखते हैं, अपने होम में 4-2-3-1 की फॉर्मेशन से खेलते हैं। तो दोस्तों इनके इलीव खेलते हैं गोलकीपर में, पोशोव और नेलडालो खेलते हैं फुलबैक पोजीशन में, डिमिट्रोव और जानव खेलते हैं सेंटर बैक पोजीशन में। हालांकि इन दोनों के ज़्यादा पासेस नहीं आएंगे क्योंकि पोजीशन इंग्लैंड के पास रहेगी, लेकिन डिमिट्रोव फिर भी थोड़े अच्छे प्लेयर हैं, इनके 1 गोल इनका है। बाकी कोस्टाडिनोव और मालिनोव खेलते हैं डिफेंसिव मिडफील्ड में, थोड़े पासेस ये 4 प्लेयर्स बना सकते हैं इनकी टीम में क्योंकि पोजीशन रहेगी इंग्लैंड के पास, तो उतने पासेस नहीं आएंगे। बाकी डेस्टाडोव और वेंडरसन विंग्स में खेलते हैं, और आई पोपोव खेलते हैं अटैकिंग मिडफील्ड में, ईसा खेलते हैं सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में। अब दोस्तों जो आई पोपोव हैं ये इनके पेनल्टी टेकर है, लास्ट टाइम इनने ली थी, और एक और प्लेयर है नेडल ऑफ करके, वो भी पेनल्टी लग गया, लेकिन दोस्तों शायद आज वो नहीं खेलेंगे, तो आज इनके मेन प्लेयर आई पोपोव रहेंगे जो कि पेनल्टी टेकर है। अब इंग्लैंड की लाइनअप देखते हैं, तो दोस्तों इंग्लैंड के आपको 7 प्लेयर्स लेने हैं, तो ये फॉर्मेशन आप ध्यान से देखिएगा जो मैं अभी टिप्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पिकफर्ड इनके गोलकीपर है, आज इनके फुलबैक्स रोटेट होंगे क्योंकि लास्ट मैच हारे हैं, और जो इनके मैनेजर है गैरेथ साउथगेट, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि वो अपने दूसरे प्लेयर्स को मौका देंगे। तो यहाँ पे चिलवल और अलेक्जेंडर आर्नोल्ड फुलबैक पोजीशन में खेलेंगे, दोनों बहुत अटैकिंग है। बेन चिलवल लेस्टर सिटी से खेलते हैं, आगे आके गोल असिस्ट कर सकते हैं। अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आपको बताइए लिवरपूल के स्टार प्लेयर है, बहुत ज़्यादा गोल्स करते हैं, इवन सेट पीसेस फ्री किक्स यही लेते हैं, और असिस्ट करने में तो इन्हें महारत हासिल है। तो ये दोनों एक मस्ट पिक रहेंगे। बाकी सेंटर बैक में खेलेंगे हैरी मगवायर, और इनके साथ इनका पार्टनर चेंज होगा, टायरन मिंग्स खेल सकते हैं जो कि रूमर्स आ रहे हैं माइकल कीन के बदले, अगर मिंग्स नहीं खेले तो फिर जो गोमेज भी खेल सकते हैं। तो ये दोनों पासेस बहुत ज़्यादा बनेंगे, साथ में हैरी विंग्स जो कि टॉटनम के प्लेयर है, और इन तीनों के बहुत ज़्यादा पासेस आने वाले हैं आज के मैच में। ये रिप्लेस करेंगे डेक्लेन राइस को जिनका पिछला मैच अच्छा नहीं रहा था। बाकी जॉर्डन हैंडरसन थोड़ा अटैकिंग खेलेंगे लेकिन पासेस में ये भी हेल्प करेंगे, और मेसन माउंट अटैकिंग मिडफील्ड में खेलेंगे, ये गोल्स और असिस्ट दोनों कर सकते हैं, चेल्सी के लिए बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। फॉरवर्ड में इनके विंग्स में होंगे स्टर्लिंग और सेंचो, दोनों एक तरीके से मस्ट पिक है, खासतौर पर स्टर्लिंग बहुत ज़्यादा गोल्स और असिस्ट करते हैं,
और सेंचो भी एक तरीके से बोरुशिया डॉर्टमुंड के लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हालांकि इंग्लैंड के लिए अब इनको दिखाना बाकी है, तो आज इनका परफॉर्मेंस आ सकता है। हैरी केन होंगे इनके स्ट्राइकर, जो कि इनके बेस्ट प्लेयर है, इनके सबसे ज्यादा गोल्स मारते हैं और इनके पेनाल्टी टेकर भी है। तो ये मैंने कुछ बता दिया इंग्लैंड का। अब टॉप गोल स्कोरर दिस सीजन की बात करते हैं। अभी तक इंग्लैंड की तरफ से हैरी केन के 7 गोल है, स्टर्लिंग 6, सेंचो बागले के 2-2 और कीन का 1 गोल है। असिस्ट में स्टर्लिंग के 5 असिस्ट है, केन 1, बागले 2, सेंचो, कीन और हेंडरसन का 1-1 असिस्ट है। अब बुल्गेरिया का देखते हैं। नीडलेव, आई पोपोव, बोजिकोव, ईसा और डिमिट्रोव का 1-1 गोल है। आई पोपोव, नीडलेव के 2 असिस्ट है, आई पोपोव का 1 असिस्ट और इवानोव का 1 असिस्ट है। अब दोस्तों आप इस स्टेट्स का रख लीजिए स्क्रीनशॉट, जब टीम आएगी उससे पहले एक बार ये स्टेट्स जरूर देखेगा, इसके अनुसार ही अपनी टीम बनाएगा, काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बता देता हूँ इंग्लैंड से, केन, स्टर्लिंग, सेंचो, ये 3 प्लेयर मैं टॉप में रिकमेंड करूंगा आपको। इसके अलावा चिलवेल और अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को भी मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं। अब बाकी दोस्तों मैं यहां बल्गेरिया से आई पोपोव, ईसा, डेस्पोडोव और वेंडरसन को मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं। अब दोस्तों प्रिडिक्शन मेरी 3-1 इंग्लैंड है। बल्गेरिया का होम मैच है तो 1 गोल शायद इंग्लैंड मार सकती है, और मुझे नहीं लगता कि आज भी लास्ट मैच की तरह शॉक डिफीट इंग्लैंड की होगी। आज ये फाइट बैक करेंगे, क्योंकि लास्ट मैच हारे तो थोड़ा गुस्सा भी होगा, तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा फाइट बैक कर सकते हैं और हो सकता है बहुत ज़्यादा गोल्स भी हमारे 4 या 5 गोल भी मार सकते हैं इंग्लैंड की टीम। तो ऐसी कुछ मेरी प्रिडिक्शन है 3-1, तो इसी प्रिडिक्शन के अनुसार मैंने ड्रीम इलेवन की टीम भी दिखाई है, बनाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन की टीम देखने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल, सभी फाइनल टीम्स आपको यही मिलती है, इससे जरूर जुड़ जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप टेलीग्राम में फैंटेसी स्पोर्ट्स स्पाई भी सर्च मार सकते हैं। और कल देखिए यहाँ पे मेरी जीएल भी लगी थी, और लगभग हफ्ते में 2-3 मिनी जीएल्स मेरी बल्लेबाजी में लग जाते हैं, तो दोस्तों काफ़ी हेल्प करता है। बाकी आपका यहाँ से जुड़ना बहुत जरूरी है, लोगों की अच्छी विनिंग्स हो रही है, फाइनल टीम्स आपको ऐसी यहाँ मिलती है, तो इससे जरूर जरूर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको ड्रीम इलेवन की टीम दिखाता हूँ। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन में मैंने 2 टीम्स बनाई है, जो मेरी पहली टीम है ये मेरी 3-1 प्रिडिक्शन वाली, और दूसरी भी वही है, लेकिन दोनों टीम्स में मैंने 7-7 इंग्लैंड के प्लेयर लिए हैं। लेकिन जो पहली टीम है यहाँ मैंने डिफेंडर्स 4 लिए हैं और इंग्लैंड के 3 अटैकर लिए। दूसरी टीम में मैंने इंग्लैंड के 3 डिफेंडर लिए और 4 अटैकर्स लिए। तो पहली टीम थोड़ी डिफेंसिव है जिसमें क्लीन शीट के पॉइंट्स मिलेंगे, और दूसरी टीम इंग्लैंड की अटैकिंग टीम है जहाँ पे इंग्लैंड 4 या 5 बंडल्स में गोल मार सकती है। तो मैं पहली टीम आपको दिखाता हूँ, यहाँ मेरे चारों मेन इंग्लैंड के डिफेंडर्स आ गए, बाकी यहाँ से सेंचो के साथ केन और स्टर्लिंग आ गए। अब बाकी इनके मैंने मलिनो, वेंडरसन और आई पॉपअप ले लिया, जो इनके पेनाल्टी टेकर और एक गोलकीपर ले लिया। अब मैं इसमें आपको कुछ चेंजेस बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिफेंस सेक्शन में कोई छिड़कानी नहीं करनी है, जो चार्ज इंग्लैंड के डिफेंडर्स करेंगे उन्हीं को आपको ले लेना है अगर आप क्लीन शीट के साथ जा रहे हैं। तो फिलहाल अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और मैग्वायर का खेलना कन्फर्म लग रहा है, और चिलवेल का भी। अब दोस्तों अगर मिंग्स नहीं खेले फिर या तो कीन खेलेंगे या गोमेज खेलेंगे, अब सिलेक्शन भी कीन का ज्यादा है। अब इन तीनों में से कोई एक खेलेगा, जो एक खेलेगा आप ले लीजिएगा, तीनों ही काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों फिलहाल रूमर्स मिंग्स के आ रहे हैं, तो मैंने मिंग्स ले लिए। बाकी यहां से मैंने सेंचो ले लिया, जो बहुत अटैकिंग प्लेयर है और 82% सिलेक्शन है, तो काफी अच्छे होंगे। और यहां से मैंने केन और स्टर्लिंग ले लिए, जो कि आपके मस्ट पिक 3 प्लेयर्स है। अब आप दोस्तों थोड़ा अलग जाना चाहते हैं दूसरों से, तो आप सेंचो के प्लेस में मेसन माउंट खेलते हैं, इनके साथ जा सकते हैं। सिलेक्शन कम है तो जहां पे आप 3 या 4 बंदे खेले, तो आपकी टीम 2 बंदों ने सेंचो लिया था, आप मेसन माउंट लेंगे, अगर ये चलते हैं तो वो लीग आपको जिता देगी, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। चेल्सी के लिए बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल मैंने सेंचो रख दिए, और नीचे से मैंने इनके 2 पार्सल रख दिए, मालिनोव और वेंडरसन। वेंडरसन थोड़े अटैकिंग भी है बल्गेरिया के लिए, शायद गोल असिस्ट कर सकते हैं, बाकी मालिनोव थोड़े पासेस देंगे, तो इसलिए मैंने ये दोनों ले लिए। इन दोनों के अलावा आपके पास एक ऑप्शन है कोस्टा डिनोव का, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मेंटेन करने पड़ेंगे। बाकी और कोई खेलता है तो मेरे को लगता नहीं और कोई खेलेगा, अगर मार्सेलिनो खेलते आप इनके साथ जा सकते हैं। अब दोस्तों यहां से आपके पास इंग्लैंड से एक हेंडरसन का ऑप्शन है, जो बहुत ज्यादा पासेस बनाएंगे और कभी कभी असिस्ट गोल कर सकते हैं, तो एक ये भी ऑप्शन है इंग्लैंड से। और हैरी विंग्स है डेक्लेन राइस में से, जो खेला वो भी ऑप्शन है, वैसे हैरी विंग्स के चांस आ रहे हैं, तो हैरी विंग्स खेले तो बहुत ज्यादा पासेस बनाएंगे, साथ ही डेक्लेन राइस खेले तो ये भी बहुत ज्यादा पासेस बनाएंगे और कभी कभी ये लोग असिस्ट गोल कर सकते हैं। अब मेरी जो पहली टीम है यहाँ मेरे कैप्टन केन ही होने वाले हैं, वाइस कैप्टन मैंने स्टर्लिंग किया, ये दोनों प्लेयर सेफ चॉइस है कैप्टन वाइस कैप्टन के। बाकी आपके पास थर्ड चॉइस में जेडन सेंचो है। अब मैं आपको दूसरी टीम अपनी दिखा देता हूँ। याली टीम में मैंने इंग्लैंड के कर दिए 3 डिफेंडर्स, जो मैंने ड्रॉप किया वो हैरी मैग्वायर के हैं, क्योंकि वो 8.5-9 क्रेडिट के, तो बहुत क्रेडिट प्रॉब्लम हुई क्योंकि अलेक्जेंडर आर्नोल्ड में ड्रॉप नहीं कर सकता था, सारे फ्री किक्स कॉर्नर्स यही लेते हैं, एक मेन प्लेयर है, तो यहाँ मैग्वायर ड्रॉप किए। बाकी मैंने यहाँ वो 3 अटैकर्स के साथ मेसन माउंट भी ऐड कर दिया, जो थोड़ी अटैकिंग इंग्लैंड के फेवर में टीम हो गई। बाकी आई पोपोव मैंने ले लिए, जो कि यहाँ पे बल्गेरिया के पेनल्टी टेकर हैं, और वेंडरसन और
पाने और टॉप, ये दो प्लेयर्स मैंने ले लिया। अब दोस्तों यहाँ मेरे कैप्टन के लिए वाइस कैप्टन मैंने सेंचो कर दिया थोड़ा चेंज करने के लिए, बाकी मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, आप चाहे स्टर्लिंग माउंट या इनमें से या अलेक्जेंडर आर्नोल्ड में से किसी को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बाकी कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस केन देंगे क्योंकि इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा पेनल्टीज मिलती है और ये पेनल्टीज में बहुत महारत हासिल है केन को, साथ ही गोल किसी भी टाइम कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर है वर्ल्ड के। अब दोस्तों ये थी दो टीम्स, फाइनल टीम जो भी होगी वो मिलेगी टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर से जरूर जुड़ जाइए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।